एवरीवन, दिस साइड रोहित राठौर एंड यू आर वाचिंग अपनी कक्षा फॉर कॉमर्स। तो यार आज बेसिकली 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का एक थोड़ा डिटेल वीडियो होने वाला है। मैं आपको सारी चीजें इस संदीप गर्ग से पढ़ाने वाला हूँ। ये मैंने 12th में इसी से पढ़ा था, मेरी 12th की जो अभी तक मेरे पास है। मैंने भी अपने 12th में संदीप गर्ग से पढ़ा था। इसमें काफी सिंपल लैंग्वेज में सारी चीजें दी हैं। आप खुद से ही पढ़ के ना इन चीजों को समझ सकते हैं। अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, इस बार आपको थोड़ा डीप में पढ़ने की जरूरत है, इस बार आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। फ्योल्स के जो 14 प्रिंसिपल्स है, अगर आपको वो याद नहीं हो रहे तो यार इनको याद कैसे रखें, उसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। शॉर्ट ट्रिक की लिंक ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के वहां देख सकते हैं किस टाइप से उसे याद रख सकते हैं। सर स्टार्ट करते हैं। सो पॉइंट नंबर 1 करते हैं, आपका डिवीजन ऑफ वर्क। नाम से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ वर्क का डिवीजन होना चाहिए। किस बेसिस पे वर्क को डिवाइड करें, इंडिविजुअल की एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसको वर्क डिवाइड किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन में उसे एक पोस्ट, एक वर्क अलोकेट किया जाती है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन ये इंश्योर करे कोई भी वर्क जो वो डबल ओवरलैपिंग ना हो, यानी कोई भी वर्क डबल से ना हो, दो अलग अलग बंदे सेम वर्क ना कर रहे हो, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉस्ट है वो भी बचे और जो भी वर्क है वो ऑन टाइम हो और इफेक्टिव वे से हो। इसलिए कई सारे ऑर्गेनाइजेशन अपना फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, अपना मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट अलग अलग करके उन्हें अपने वर्क एलोकेट कर दिए जाते हैं, ताकि एक स्मूथ फंक्शन हो, सारे वर्क काम पे हो रहे हो और ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल अचीव कर रहा हो। पल नंबर 2, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है? अगर किसी बंदे को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, कोई काम दिया जाता है, तो उसको उस काम से रिलेटेड अथॉरिटी दी जानी चाहिए, ताकि उनके अच्छे इफेक्ट्स हो, उस काम के अच्छे रिजल्ट्स आए। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी का दोनों का बैलेंस होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में जिस भी बंदे को जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उतनी अथॉरिटी भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को देखें, अगर वहाँ के हेड को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आपको अच्छी क्वालिटी के चॉकलेट्स बनाने हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कुछ भी मैन्युफैक्चर करना है, पर आपको ये अथॉरिटी नहीं है कि आप फंड रेज कर सको ताकि क्वालिटी इंक्रीज हो, तो आप उस काम को अच्छे से नहीं कर पाओगे, वो काम इफेक्टिव नहीं होगा। अगर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है पर आपके पास अथॉरिटी नहीं है, तो आप उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं दे पाओगे अपने ऑर्गेनाइजेशन को, और ऑर्गेनाइजेशन के जो भी टारगेट्स हैं, सेल्स के टारगेट या क्वालिटी के टारगेट्स, वो अचीव नहीं हो पाएंगे। पॉइंट नंबर 3, डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन वर्ड बचपन से सुने जा रहे हो कि डिसिप्लिन में रहना चाहिए, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में भी डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन में सारे ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो सभी सारे इंप्लॉइज फॉलो कर रहे हैं। ये तीनों लेवल पे अप्लाई होता है, चाहे टॉप हो, चाहे मिडिल हो, चाहे लोअर लेवल हो। सारे ही जो भी इंप्लॉइज है, जो भी वर्कर्स है, चाहे मैनेजर्स हो, चाहे सीईओ, सभी को डिसिप्लिन में रहना, अपने सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना, ऑर्गेनाइजेशन में टाइम टू टाइम ऑडिट्स होना, ये सारी चीजें जब ऑर्गेनाइजेशन में होती है, ऐसा इन्वायरमेंट होता है जिसमें सारे लोगों को काम करने में मजा आता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन नहीं होगा तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन वॉयलेट हो रहे होंगे, कोई भी रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहा होगा, जिसके कारण से ऑर्गेनाइजेशन के जो भी टारगेट्स है, जो में एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं होगा, जिसके कारण सारे ही लोग ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलना चाहेंगे, क्विट करना चाहेंगे, अपनी जॉब छोड़ना चाहेंगे, उसमें एक वर्किंग इन्वायरमेंट नहीं होगा अच्छा, जिसके कारण कोई भी उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना पसंद नहीं करेगा। तो डिसिप्लिन का होना ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉइंट नंबर 4, यूनिटी ऑफ कमांड। ऑर्गेनाइजेशन में एक सबॉर्डिनेट है, अगर कोई भी वर्कर है तो उसके ऊपर सिर्फ एक ही सुपीरियर होना चाहिए। सुपीरियर मतलब उसे ऑर्डर देने वाला। अगर अलग अलग सुपीरियर एक अकेले इंप्लॉइज को अगर कमांड दे रहे हैं कि नहीं पहले आपको ऑडिट करनी है, नहीं पहले आपको फाइल तैयार करनी है, तो यहाँ पर जो इंप्लॉइज है उसका जो वर्किंग इन्वायरमेंट है वो बढ़िया नहीं होगा और वो उस इन्वायरमेंट से बाहर निकलना चाहेगा। सो ओवरऑल एक सबॉर्डिनेट के ऊपर एक ही सुपीरियर होना चाहिए जो उसे कमांड दे। सबॉर्डिनेट एक ही सुपीरियर को आंसरेबल होना चाहिए। सुपीरियर रहने उसके अपर लेवल पे, सबॉर्डिनेट अंडर लेवल पे होता है। कोई भी बंदा है वो सिर्फ उसे एक ही जगह से कमांड आनी चाहिए। अगर अलग अलग जगह से उसे कमांड आएगी, अलग अलग वर्क उसे करने होंगे एक ही टाइम पे, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन छोड़ना चाहेगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी नहीं होगी। पॉइंट नंबर 5, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या रेफर करती है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका एक गोल होगा। जो भी वर्कर्स है तीनों लेवल पे, चाहे टॉप हो, मिडिल हो या लोअर लेवल, सभी उस गोल की ओर फोकस्ड हो, उस गोल को अचीव करने के लिए वर्क कर रहे हो, अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को पीछे रखते हुए सभी एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो। अगर कोई यहाँ अपने पर्सनल गोल को अचीव करने के लिए भाग रहा हो या फिर सिर्फ खुद के पर्सनल गोल्स को देख रहा हो, तो ये नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। अगर ये होगा, ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल कभी अचीव नहीं कर पाएगा। सभी लोगों को एक ही डायरेक्शन में सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल की ओर जाना है। जो भी मैनेजर है उसका जो अगर सेल्स का टारगेट है कि हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, हमें इस साल इतना सेल्स का टारगेट अचीव करना है, तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को उसी एक टारगेट पे फोकस्ड होकर वर्क करना होगा और उस टारगेट को अचीव करने का पूरा अपना 100% देना होगा। पॉइंट नंबर 6, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये मेनली वही होता है, अगर आपके जो पर्सनल इंटरेस्ट है, अगर आपके खुद के कुछ इंटरेस्ट है कि नहीं मुझे ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ पैसों के लिए काम करना है, तो ये नहीं होना चाहिए। आपको ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए सभी को एक जनरल इंटरेस्ट, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, उसी के लिए वर्क करना होता है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होगा तो आप भी ग्रो होंगे, आपकी भी
आपके भी प्रमोशंस होंगे, आपकी भी सैलरी में इंक्रीजमेंट होंगे, तो जैसे जैसे आपके अपने इंटरेस्ट को पीछे रखकर, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए वर्क करना है, आपको अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को पीछे रखकर एक जनरल इंटरेस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है, जो मैंने यूनिटी ऑफ कमांड में समझाया उसी टाइप से कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक ही सभी लोगों को एक ही डायरेक्शन में ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है, जो भी टारगेट है उसे अचीव करने के लिए जाना चाहिए। जैसे अगर ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में ग्रो करता है तो ऐसी बात है आप भी फ्यूचर में ग्रो ही करोगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन हर एक इंडिविजुअल तभी ग्रो करता है जब आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है। पॉइंट नंबर 7, रेम्यूनरेशन ऑफ इम्प्लॉयज। अब रेम्यूनरेशन ऑफ इम्प्लॉयज यानी जो भी इम्प्लॉय वर्क कर रहा है, जो भी वर्कर या इम्प्लॉयज है, जो भी वर्कफोर्स काम कर रही है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उसे एक फेयर और एक अच्छा कंपनसेशन दिया जाए, उसे एक अच्छी सैलरी दिया जाए और एक अच्छा वर्क इन्वायरमेंट दिया जाए, ताकि वो उसकी सैलरी उसे कम नहीं लगनी चाहिए। अगर उसे ज्यादा वर्क करवाया जा रहा है और उसे एक फेयर सैलरी नहीं मिल रही उस वर्क के अकॉर्डिंग, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को हर बार क्विट करने के लिए सोचेगा, अपना काम ढंग से नहीं करेगा और जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे, जिसलिए ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल अचीव नहीं कर पाएगा, ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन फोकस है, मेन टारगेट, वही अचीव नहीं हो पाएगा। इसलिए जो सारे इम्प्लॉयज है, हर एक इम्प्लॉयज को एक फेयर रेम्यूनरेशन, एक फेयर सैलरी मिलनी चाहिए जिसका वो हकदार है, उसके वर्क के अकॉर्डिंग उसे एक फेयर सैलरी मिल रही हो, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए काम कर सके और अपने वर्किंग एनवायरमेंट में खुश रह सके। पॉइंट नंबर 8, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है, ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है। हर अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के जो कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग टाइप से काम करते हैं। अगर आप मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी देखोगे तो वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन होता है, क्योंकि वहाँ अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप के टेस्ट की डिमांड होती है। पर्सनल आउटलेट्स के जो भी डिसीजन होते हैं वो वहाँ के पर्सनल जो लोकल वर्कर्स हैं या जो लोकल मैनेजर्स हैं उन्हें डिसेंट्रलाइज कर दिया जाता है। यहाँ के जो भी डिसीजन आप खुद ले सकते हैं और अपने एरिया के अकॉर्डिंग आप वहाँ के लोगों के टेस्ट के अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं, वैसे अपने फूड डेवलप कर सकते हैं और सेल्स कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर वही सेकंड टाइप के ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जैसे टाटा मोटर्स आप ले लें, तो वहाँ सिर्फ एक सेंट्रलाइजेशन होता है। सेंट्रलाइजेशन कैसे कार की असेंबली होगी, किस टाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी, तो सारी चीजें सेंट्रलाइज होती हैं। टॉप मैनेजमेंट से ऑर्डर आते हैं, वही हमें फॉलो करने होते हैं। तो जो डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन के अपने कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस, अगर ज्यादा सेंट्रलाइजेशन है तो जो भी डिसीजन मेकिंग होगी उसमें बहुत डिले होगा, सारे डिसीजन अच्छे से नहीं ले जा सकते। अगर बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन है तो जो ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन भी टॉप मैनेजमेंट का कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन पे से कम कर देता है, जिससे स्टेबिलिटी जो है ऑर्गेनाइजेशन की वो कम हो जाएगी और ऑर्गेनाइजेशन अपने जो टारगेट, अपने टारगेट से उन्हें अचीव करने में शायद कामयाब ना हो। पॉइंट नंबर 9, स्केलर चेन। स्केलर चेन मेनली एक लेवल्स को बताया गया है, जहां टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल को रखा गया है। ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी टाइप के कम्युनिकेशन के लिए स्केलर चेन को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है, जिसमें स्केलर चेन में सबसे ऊपर टॉप लेवल, बीच में मिडिल लेवल और फिर सबसे नीचे लोअर लेवल होता है। इसके अकॉर्डिंग जो भी डिसीजन लेने होते हैं, किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अगर आप अकाउंटेबल है तो आप सिर्फ अपने सुपीरियर को जाएंगे, डायरेक्ट अपर लेवल को नहीं जा सकते। अगर जो भी आपका सुपीरियर है आप उसे आंसरेबल है, आपको सिर्फ वही आंसर देने, आपको डायरेक्ट टॉप लेवल पर नहीं जाना है, ना टॉप लेवल डायरेक्ट आके जो वर्कर, जो भी लोअर लेवल है उन्हें कमांड देना है। यहाँ एक प्रॉपर चेन होती है जिसके अकॉर्डिंग आपके ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है, उसी पे आपको कम्युनिकेट करना होता है, उसी के थ्रू आपको, उसी चैनल के थ्रू, उसी स्केलर चेन के थ्रू आपको कम्युनिकेट करना होता है। जो भी नोटिस होते हैं, डिसीजन होते हैं, सभी चीजें आपको उस स्केलर चेन के थ्रू ही ऑर्गेनाइजेशन के हर एक एम्प्लॉय तक आपको पहुंचाने होते हैं। पॉइंट नंबर 10, ऑर्डर। ऑर्डर रेफर करता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में हर एक चीज की, चाहे पर्सन हो या थिंग हो, जो भी ऑर्डर है, जो भी जगह है वो फिक्स्ड होनी चाहिए। हमें चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, चाहे ऑफिस हो, चाहे पर्सनल इम्प्लॉयज को, इंडिविजुअल इम्प्लॉयज की वर्क प्लेस हो, सभी चीजों उनके आपस में डिवाइड होनी चाहिए, ऑर्डर अलग अलग होना चाहिए, सबकी एक परमानेंट प्लेस होनी चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो यहाँ पे बहुत सारे क्लेश हो सकते हैं ऑफिस में, नहीं यहाँ बैठ के मैं काम करूंगा, यहाँ बैठ के, तो ऐसे में कभी ऑर्गेनाइजेशन अपना जो टारगेट है वो अचीव नहीं कर पाएगा। और जहाँ ऑर्डर फॉलो होता है, फोर्स होती है, वो ज्यादा इफेक्टिव होती है और ज्यादा इफिशियंट तरीके से अपने डिसीजन ले सकती है और ऑर्गेनाइजेशन अपने टारगेट्स जल्दी अचीव कर लेता है। पॉइंट नंबर 11, इक्विटी। इक्विटी रेफर करता है कि सभी जो भी इंप्लॉयज अलग अलग रिलीजन के हो, अलग अलग रीजन के हो, या अलग अलग कास्ट, जो भी डाइवर्सिफाइड इंप्लॉयज हो, डाइवर्सिफाइड वर्कफोर्स को एक इक्विटी में आपको इक्वली ट्रीट करना है, चाहे मैनेजर हो चाहे वर्कफोर्स हो, अपने मैनेजर्स को, ऑर्गेनाइजेशन को, सभी इंप्लॉयज को एक इक्वली ट्रीट करना होता है। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना होना, कास्ट के बेसिस पे, ना रीजन के बेसिस पे, ना लैंग्वेज के बेसिस पे। अगर आप इस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो जिसके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट कर सकता है किसी भी टाइप से। ये पर्टिकुलर डिस्क्रिमिनेशन आपके ऑर्गेनाइजेशन को अंदर से खोखला कर सकता है और अपना ऑर्गेनाइजेशन अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पाएगा। पॉइंट नंबर 12, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। अगर ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए किसी भी इंप्लॉयज या किसी भी कई सारे इंप्लॉयज को हायर किया जाता है, इंप्लॉय को अच्छा वर्क इन्वायरमेंट नहीं दे रहा हो, अगर ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, अगर पर्सनल जो भी
हम हायर कर रहे हैं, अगर उन्हें स्टेबल नहीं रख पाएंगे तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा खर्चे होंगे, हमें बार बार हायर करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस वो हमारे इंक्रीज होते जाएंगे। इसलिए जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है में जो भी इम्प्लॉयज अगर हम हायर कर रहे हैं तो उन्हें एक लॉन्ग टर्म के लिए हायर करें, उन्हें एक अच्छी सैलरी दे, अच्छा रिम्यूनरेशन दे, वर्क इन्वायरमेंट दे, ताकि वो ज्यादा से लॉन्ग टाइम के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करें और हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो उसमें स्टेबिलिटी बनी रहे और अपने जो काम हो वो चलते रहे, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स हैं वो अचीव होते रहे। अगर ऐसा नहीं होगा तो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, बार बार नए इंप्लॉयज आएंगे, उनकी डेवलपमेंट, उनकी ट्रेनिंग के एक्सपेंसेस, उन्हें ट्रेनिंग देनी होगी, जिससे जो भी इफेक्ट होंगे, जो भी पेंडिंग काम है वो और पेंडिंग होते जाएंगे और वो इफेक्ट होंगे और ऑर्गेनाइजेशन अपना ईयरली टारगेट या फाइनेंशियली ईयर में जो भी टारगेट्स रखे वो अचीव नहीं कर पाएगा, जिसके कारण से जो ऑर्गेनाइजेशन के सारे टारगेट्स अचीव नहीं हो पाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। इंप्लॉयज स्टेबल नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में तो ऑर्गेनाइजेशन भी स्टेबल नहीं होगा और अपना जो टारगेट्स है वो कभी अचीव नहीं कर पाएगा। पॉइंट नंबर 13, इनिशिएटिव। सो यार दुनिया में हर एक बंदा, हर एक इंसान ना इंकरेजमेंट का भूखा होता है। अगर आपने, अगर ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी बंदे ने अच्छा काम किया है, अपने टारगेट्स अचीव किए हैं, तो उसे सारे वर्कर्स के, सारे इंप्लॉयज के सामने लाकर खड़ा कर दिया, उसके लिए तालियां बजवा दी, उसके लिए जो भी अवार्ड दे दिया, उसे थोड़ा सा इंकरेज करना चाहिए। किसी भी लेवल का इंप्लॉय हो, मैनेजर हो, चाहे वर्कर हो, या पर्टिकुलर कोई भी इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का कोई भी इंप्लॉय हो, अगर वो अपने टारगेट्स अचीव करता है, कोई भी अच्छा काम करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उसे इनिशिएटिव देना चाहिए, उसे इंकरेज करना चाहिए लेवल ऑफ मैनेजमेंट के साइड से, डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट के साइड से, ताकि वो और इंकरेज हो और फ्यूचर में अपना बेस्ट से बेस्ट दे और ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स को अचीव करने के लिए। बंदा अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट करता है तो उसे सामने लाकर उसे खड़ा कर देना चाहिए, उसे हाईलाइट करना चाहिए पर्टिकुलर वे में, किसी भी टाइप से, चाहे उसके इंसेंटिव्स बढ़ाकर या उसे किसी भी टाइप का रिवॉर्ड दे या उसके लिए क्लैपिंग करवा दे, या किसी भी टाइप से उसे इंकरेज करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जितना ज्यादा आप इंप्लॉयज को मोटिवेट रखोगे, उतने ज्यादा वो मोटिवेट होकर आपके लिए काम करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन के सारे टारगेट्स को अचीव करते हुए ऑर्गेनाइजेशन को एक नई पहचान दिलाने में हेल्प करेंगे। पॉइंट नंबर 14, एस्प्रिट डी कॉर्प्स। बेसिकली ये जो प्रिंसिपल है, ये सारे जो भी इंप्लॉयज, जो भी वर्कर्स, उन्हें एक टीम की तरह, एक बिलोंगिंगनेस, सब में एक दूसरे की फीलिंग को समझने के लिए, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में अपने टीम के, अपने जो को वर्कर्स हैं, कलीग्स, उनके लिए एक फीलिंग अच्छी नहीं होगी, एक दूसरे से जलस होंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम है वो डिले होते जाएंगे किसी ना किसी वजह से, सब चीजें ना हो, ये इंश्योर करने के लिए स्पीड डी कॉप्स का ऑर्गेनाइजेशन में इस प्रिंसिपल का फॉलो होना बहुत जरूरी है, ताकि सारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी इंप्लॉयज है, वर्कर्स है, वो एक टीम की तरह, स्ट्रेंथ की तरह काम करें, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है उन्हें अचीव करने के लिए आगे बढ़े और एक टीम की तरह एक दूसरे की मदद करते, हेल्प करते हुए उस ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है उन्हें अचीव करें और उन्हें टारगेट्स को जल्दी, उन्हें टारगेट्स को एज अ टीम टुगेदर वी अचीव मोर, टीम का फुल फॉर्म बेसिकली दे रखा है संदीप गर्ग में, उसकी तरह काम करें और अपने ऑर्गेनाइजेशन के सारे गोल्स को अचीव करें। तो यही एंड होते हैं आपके 14 प्रिंसिपल्स जो मैंने एक एक करके सारे आपको कुछ डिटेल में बताए, ये ओवरऑल इतने ही। अगर आपको और डिटेल पढ़ना है तो आप बुक से पढ़ सकते हैं। अगर आपने वीडियो देखा तो आपको एक बेसिक नॉलेज हो गया होगा कि पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल प्रिंसिपल्स किस लिए होता है, क्या उसका वर्क होता है, ऑर्गेनाइजेशन में उसका होना कितना जरूरी होता है। और ओवरऑल इतना ही है। थैंक यू फॉर द डे, लव यू ऑल, बाय।